460 मतों से पराजित किया। नवनिर्वाचित सरपंच जीता देवी ने सभी मतदाताओं का आभार जताते हुए बताया कि गांव में काफी मूलभूत प्राथमिक सुविधाओं का अभाव है, जिनको मैं निराकरण करवाऊंगी। पेयजल, सड़क व चिकित्सा सुविधाओं में भी विस्तार किया जाएगा और गांव को साथ लेकर अभूतपूर्व विकास करवाया जाएगा। स्वच्छ व ईमानदारी पारदर्शी गाँव की सरकार के साथ सबको लेकर सबका विकास होगा। अति पिछड़ा वर्ग, निर्धन परिवार के लोगों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा। नवनिर्वाचित सरपंच जीता देवी की जीत पर गांव में खुशी का माहौल है और उन चारों तरफ से उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। मैं ग्राम पंचायत धीरवा छोटा के अंतर्गत आने वाले चारों गांव रंगड़ी डाबड़ी छोटी डाबड़ी बड़ी और धीरवा छोटा के समस्त मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी माताजी जेता देवी को बहुत भारी मतों से जिताया है। मैं उन सब मतदाताओं का जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी माताजी की मदद की, हमारे साथ जुड़े रहे, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। गांव में काफी प्राथमिक समस्याएं होती है, सबसे पहले कौन सी समस्या ऐसी रहेगी जिनका आप निराकरण करवाएंगे? गांव के अंदर वैसे काफी समस्या है क्योंकि पंचायत नहीं बनी है। नई पंचायत बनने पर बहुत सी समस्याएं सामने आती हैं। सबसे पहले गांव के अंदर पंचायत भवन नहीं है, गांव के अंदर कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, गांव के अंदर कोई पशु अस्पताल नहीं है। तो मेरा और मेरी माता जी का ये प्रथम प्रयास रहेगा कि सबसे पहले पंचायत भवन बने, गांव के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र बने और पशु उप स्वास्थ्य बने। उसके बाद में पेयजल की जो समस्या है, हम ये चाहते हैं कि पंचायत के चारों गांवों के अंदर घर घर नल कनेक्शन हो और वो नल कनेक्शन है वो उसकी घोषणा जल्द ही माननीय विधायक जी नरेंद्र जी बुडानिया के प्रयासों से इसी अक्टूबर के महीने में सफल होने जा रही है। सर, 5 साल काफी लंबा समय होता है, क्या विकास योजना रहेगी 5 साल के आगामी, क्या विकास योजना है आपकी? 5 साल खूब लंबा होता है, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और तारानगर के माननीय विधायक नरेंद्र जी बुडानिया के अथक प्रयासों से हम पूरी पंचायत का विकास करेंगे। मैं मेरी माताजी सरपंच होने के साथ साथ मैं तारानगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी हूं, तो मेरी जिम्मेदारी अकेले धीरवा छोटा पंचायत की नहीं है, मेरी जिम्मेदारी माननीय विधायक जी के साथ तारानगर विधानसभा के अंदर और तारानगर पंचायत समिति के अंदर आने वाली समस्त पंचायतों की है। मैं विधायक जी के साथ मिलकर के पूरी पंचायतों का समग्र विकास करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा गांव के अंदर चारों गांव के युवा साथियों ने हमारा भरपूर सहयोग किया है, तो युवाओं के लिए हमारा मकसद है कि प्रत्येक गांव में खेल के लिए ग्राउंड बने, ट्रैक बने और विद्यालय वो कर्मोन्नत हो, संपूर्ण पानी की चिकित्सा की सुविधा गांव के अंदर हो। और पिछले बजट में मार्च के अंदर माननीय विधायक जी ने अपने तारानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 20,000 हेक्टेयर रकबा वो सिंचित क्षेत्र में जुड़वाया था। मैं प्रयास करूंगा विधायक जी साथ मिलकर के कि हमारी पंचायत के जो गांव बचे हुए हैं, जो 2005 के अंदर मुख्य लिफ्ट नहर से सिंचाई से वंचित कर दिए गए थे, मैं संपूर्ण कोशिश करूंगा कि वो सिंचाई का रकबा वापस जुड़े और गांव के अंदर पेयजल की और पानी की निकासी की, धीरवा छोटा और रांगेड़ी के अंदर पानी की निकासी की महत्वपूर्ण समस्या है, उसका भी निराकरण करने की कोशिश करूंगा। अरे मैं अच्छा वाचो काम करा, हमारे बधाई जहाँ अच्छा काम करा चारों मैंने वोट दिया।